Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to continue the same chapter of class 12 political science chapter 3 politics of planned development और देखिए इसका जो भी प्रीवियस पोर्शन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह की एक बार ऐसी भी कंडीशन आई इंडिया में कि जब काफ़ी सारे इलाकों में जो है अकाल पड़ गया नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, क्या हुआ कि एक कंडीशन ऐसी आई कि फूड शॉर्टेज हो गया। वैसे भी 5 ईयर जो प्लान थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे और हो भी नहीं रहे थे। जो भी इन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ की कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी यूज़ करते हैं जिसमें एग्रीकल्चर पे भी फोकस करेंगे, एक इंडस्ट्रीज़ पे भी फोकस करेंगे, बट देखिए जब तक एग्रीकल्चर पे अपना ध्यान दो, इंडस्ट्रीज आप कितनी भी रन कर लो, अगर आप एग्रीकल्चर पे ध्यान ना दो क्योंकि वहीं से हमारा जो भोजन है जो फूड है वो आ रहा है। अगर लोगों को फूड नहीं मिलेगा तो बेशक बिल्कुल आप कितनी भी प्रोग्रेस कर लीजिए तो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे अपने पब्लिक को, अपने पॉपुलेशन को जो आपकी कंट्री में, तो इससे क्या हो सकता है काफ़ी सारे रेवोल्यूशन के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप इंडस्ट्रीज पे ध्यान दो, बट उसके साथ ही एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना काफी जरूरी था। तो काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स भी हमने पढ़े कि किस तरह से एबोल्यूशन किया गया जमींदारी प्रथा का, जमींदारी सिस्टम को कॉन्सोलिडेशन किया गया लैंड का, जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड थे उसको मिला के बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड किए गए और उसमें एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की कोशिशें की गई, इरीगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस मेगा डैम्स। बट इसके साथ ही देखिए जब फूड शॉर्टेज हुआ इंडिया में ड्यू टू दिस नेचुरल डिजास्टर और जब डेथ रेट इतना जो हाई हो गया बंगाल और बिहार जैसे एरियाज में, तो एक कंडीशन जब इस तरह के फूड क्राइसिस कंट्री में हो गए और उन्हें देखने पड़े गवर्नमेंट को, तो उन्होंने आगे सोचा कि फ्यूचर में कभी इस तरह की कंडीशन को फेस ना करना पड़े तो इसके लिए क्या काम किया जाए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बफर स्टॉक सिस्टम स्टार्ट किया था कि किस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा जो और एरियाज है जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है फूड प्रोडक्शन, जैसे यूपी हो गया आपका, पंजाब है, हरियाणा, गुड एलुवियल सॉइल और इरीगेशन की फैसिलिटीज़ की वजह से यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाई जाए और किस तरह से बढ़ाई जाए, क्योंकि पॉसिबल था कि हाँ बढ़ा सकते हैं पर थोड़े से मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं उसके लिए, तो वो हम ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे क्या ऐसे मेजर्स थे जो यूटिलाइज़ किए गए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो बिल्कुल हम फूड को स्टोर करने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने के साथ फ्यूचर के जनरेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, मतलब फ्यूचर के टाइम के बारे में सोच सकते हैं कि अगर आज आपको खाना मिला तो साथ में ये भी एश्योर करें कि आपको फ्यूचर में भी खाना मिल जाए। तो इसके लिए बफर स्टॉक क्रिएट किए गए, रेशनिंग शॉप भी स्टार्ट की गई ताकि जो गरीब लोग हैं उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे फूड दिया जाए। तो इसके साथ ही देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको इस चैनल पे और भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए इसका मेन मोटिव, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन नाम है तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमें बताती है कि रेवोल्यूशन इन दी टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन दी एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और रेवोल्यूशन का मतलब भी होता है एक तरह का पॉजिटिव चेंज लाना लाइफ में। तो यहाँ पे किस तरह का पॉजिटिव चेंज कहाँ लाया जा रहा है, एग्रीकल्चर में लाया जा रहा है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में आ गया पॉजिटिव चेंज तो वास्तव में हमारी ज़िंदगी में भी चेंज आ जाएगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनफैक्ट जैसे हम ट्रेवलिंग देखा, मैंने आपको बताया कि फूड क्राइसिस होने लगे कि और सब चीज़ों के क्राइसिस तो हम सुनते हैं बट फूड का भी क्राइसिस यहाँ पे हो गया। द कंट्री वॉज क्लियरली वल्नरेबल टू एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड डिपेंडेंट ऑन फूड एड मेनली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, और एक ऐसा टाइम भी आ गया कि इतना एक्सटर्नल प्रेशर्स यहाँ पे आने लगा, फेस करने लगी कंडीशन, इवन जो डिपेंडेंट था फूड ऐड का वो भी हमें दूसरों पे डिपेंड होना पड़ा था और जो फूड सप्लाई था स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स से लेना पड़ता था, तो यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्न पुश इंडिया टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। तो एक किस तरह से हम इसने बताया कि किस तरह से हम एक इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपना चेंज कर सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसने अडॉप्ट की एक न्यू स्ट्रैटेजी, ठीक है, किस तरह की न्यू स्ट्रैटेजी यूज़ की और कहाँ की, फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एक न्यू स्ट्रैटेजी यूज़ की जिससे हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, हम इंश्योर कर सकते हैं फूड सफिशिएंसी कि फ्यूचर में हमारे पास प्रेजेंट में भी सफिशिएंट फूड हो और साथ ही फ्यूचर में भी सफिशिएंट फूड हो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो इंस्टेड ऑफ द अर्लियर पॉलिसी, जो भी अर्लियर पॉलिसी हमने देखी कि किस तरह से इन्होंने काफ़ी मोर सपोर्ट दिया एरियाज में फार्मर्स को, है ना, पर इतना ज़्यादा वो फिर भी लैगिंग बिहाइंड हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर पर इतना पैसा नहीं खर्च किया गया जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था। तो इसके बाद काफ़ी डिसाइड किया गया कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को और पुट किया जाए और उन एरियाज में जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे फार्मर्स बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, काम कर सकते हैं, तो उन एरियाज में कुछ और ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ और डेवलपमेंट की जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल ग्रेन्स उगें, जो मैंने अभी आपको बताया पंजाब हरियाणा और यूपी वाले केसेस में। तो आर्ग्यूमेंट हुई है यहाँ पे, द आर्ग्यूमेंट वॉज डैट दोज हु ऑलरेडी हैड द कैपेसिटी कुड हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन रैपिडली इन द शॉर्ट रन,
कि यही आर्ग्यूमेंट था, और आर्ग्यूमेंट में यही निकला नतीजा कि जिनके पास कैपेसिटी है, ठीक है, कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पे ही, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करके शॉर्ट रन पे वो ज़्यादा से ज़्यादा और इंक्रीज प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उन एरियाज़ पर ज़्यादा ध्यान दी जाए। तो इसके साथ ही देखिए गवर्नमेंट ने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की, और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, सिंपल सा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो भी मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग को इस्तेमाल किया गया उसी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आती हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनको हम HYV सीड्स के नाम से भी जाते हैं, HYVS होता है इसका, तो 3 लेटर्स जो हैं कैपिटल होते हैं स्टार्टिंग के, HYV और स्मॉल s होता है, तो ठीक है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के नाम से भी जानते हैं इसको, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बेटर इरीगेशन कैसे किया जाए सब्सिडाइज प्राइजेस पे, कम से कम खर्चे पे, तो इसी सारे मॉडर्न मेथड्स और ट्रैक्टर्स के द्वारा कर जाए खेती, तो इन्हीं सब मॉडर्न मेथड्स को ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सब ऑफर किया, ठीक है, इसके साथ ही देखिए गवर्नमेंट ने और भी गारंटी दी कि बाय करते हैं जो प्रोड्यूस होती है जो फार्मर्स की, उसको एक गिवन प्राइस पे जो भी प्रोडक्शन होता है फार्मर्स जो भी फसलें उगाएंगे उसको जो गवर्नमेंट है वो फिक्स्ड एक प्राइस पे उसको उनसे खरीद लेगी, ठीक है, जो मैंने आपको बफर स्टॉक वाला बताया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसल उगने से पहले जो गवर्नमेंट होती है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसको अनाउंस कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स समझ जाते हैं कि आप जो है मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मतलब जो गवर्नमेंट है, मतलब समझिए कि फसल उगी नहीं है बट कस्टमर उसका पहले से सामने आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है जो फार्मर्स अपनी फसलों को उगाते हैं। सपोज़ करिए कि अगर इस साल अगर गवर्नमेंट जो है वो गेहूँ पर ज़्यादा अच्छा पैसा दे रही है तो जो फार्मर्स है वो उस टाइम उस साल गेहूँ ज़्यादा उगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि इस साल हमें गेहूँ को ज़्यादा स्टोर करना है, चावल तो हमारे पास पहले से ही है तो हमें गेहूँ को स्टोर करना है, तो हमें ज़्यादा फार्मर्स को बोलना है कि आप गेहूँ जो हम आपसे खरीद लेंगे उसको स्टोर कर लेंगे, तो इस तरह से गिवन प्राइस पे काम चलता है, और डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट वो फार्मर्स से फसलें खरीद लेती है। तो इसके साथ ही ये कब पॉसिबल हुआ ये सब चीजें, इस के लिए ही स्टार्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए फार्मर्स भी तभी बेचने के लिए सोच पाएंगे जब उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, अगर आपके खेत में इतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, आपके परिवार के लिए खाने को नहीं हो पा रहा, तो आप किस तरह से उसको सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तभी तो आप सोचेंगे कि उसको बेच दिया जाएगा, अगर आपके पास सरप्लस एक्स्ट्रा हो जाए प्रोडक्शन तब। तो इस तरह से के जो रिच पीजेंट्स थे और जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे वो काफ़ी इससे उन्हें फ़ायदा काफ़ी उठाया इस प्रोसेस से, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी डिलीवर किया उसने मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ को, मेनली देखिए वीट प्रोडक्शन सबसे पहले जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो ये वीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट हुआ था, फिर उस पर राइस और उसके बाद और सारी फसलों को भी इंक्रीज करने के लिए, और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, काफ़ी पॉजिटिवली इसको देखा गया और इससे फ़ायदा भी बहुत हुआ कंट्री में। तो इस तरह से धीरे धीरे फूड जो था कंट्री में वो काफ़ी अवेलेबल हुआ, इंक्रीज़ हुआ और हर लोगों को मिलने लगा। सम रीजन्स जैसे देखें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिकेम एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस, कि इन एरियाज़ में जब इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी स्कीम्स को अपनाया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अपनाया, फर्टिलाइजर्स लिए, पेस्टिसाइड लिया, बेटर इरीगेशन मिलने लगा, ट्रैक्टर्स चलाए, तो अब जो इनकी खेती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्शन इनको देने लगी पुराने टाइम से कंपेयर करें तो। तो इसके साथ ही देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो अभी भी आप देखोगे इंडिया में तो यही 3 स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आप देखो कि हर तरह का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ ही ये अच्छे एक यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने काफ़ी ज़्यादा अदर इफेक्ट्स भी आप देख सकते हो कि वन वॉज डेट इन मैनी पार्ट्स द स्ट्राइक कॉन्ट्रेस्ट बिटवीन द पुअर पीजेंट्री एंड द लैंडलॉर्ड्स प्रोड्यूस कंडीशन फेवरेबल फॉर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, कुछ और भी इफेक्ट्स देखने को मिले कि हाँ इन एरियाज में प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुई बट इसके साथ ही हमें एक स्ट्राइक कॉन्ट्रास्ट भी देखना पड़ा, अपोजिट चीज़ें देखनी पड़ी कि किस तरह से जो पीजेंट्स हैं, देखिए जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, दूसरों के खेतों में जो काम करते हैं उनकी कंडीशन कैसी रही, और जो लैंडलॉर्ड्स जो ये सब फसलों को और उगाए जा रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उनकी कंडीशंस किस तरह से और फेवरेबल होती गई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो वो थोड़ा सा देखिए मैंने राशनिंग शॉप का आपको बताया था तो वो भी थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे दिया है कि वहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे तो ये गवर्नमेंट शॉप्स होती हैं जहाँ पे एक कुछ कॉमोडिटीज़ जैसे सामान आपको वीट, राइस, कुकिंग ऑयल जैसी चीज़ें, शुगर जो है वो मिल जाता है राशन शॉप में, और इनका जो दाम होता है, जो प्राइस होता है वो मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो जो ये स्पेशली जो पॉवर्टी आप समझते हो बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं जिनके पास कार्ड्स होते हैं पीपल कार्ड्स, तो उनके लिए ये शॉप्स होती हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही देखिए किस तरह से जो पुअर पीजेंट्स हैं उनकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती गई। तो सेकेंडली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ वॉट इज कॉल्ड द मिडिल पीजेंट सेक्शन। इसके साथ ही देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक ऐसा तबका भी जो एक समाज में मिडिल पीजेंट सेक्शंस भी उभर के आया, दीज वर फार्मर्स विद मीडियम्स, और ये
कौन आते थे इन लोगों में, इन सेक्शन में, जो मिडिल क्लास बिजनेस सेक्शन में आते थे, जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे जो स्मॉल मीडियम साइज का लैंड होल्डिंग सकते थे, उनके खेत ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, अगर बड़े होते थे वो लैंड लॉर्ड्स कहलाते हैं। तो इनके जो फील्ड थे वो छोटे मीडियम साइज़ के होते थे, और इस इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, जो चेंजेस थे वो आए इनके, और काफ़ी सारे इनको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिला अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने का, और सून इमर्ज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसके साथ ही काफ़ी सारे जो पार्ट्स में ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी रहे। इसके बाद देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया हमारे एग्रीकल्चर से, उसके साथ ही देखिए वाइट रेवोल्यूशन क्या था। तो देखिए वाइट रेवोल्यूशन, जैसे नाम से मैंने आपको बताया था कि नाम से समझेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन था आपका हरियाली यानी एग्रीकल्चर से, और वाइट रेवोल्यूशन जो है वो दूध से है, ठीक है, मिल्क से रिलेटेड है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में, तो वाइट रेवोल्यूशन भी यही है कि पॉजिटिव चेंज लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें मिल्क में, ठीक है, मिल्क और मिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। तो देखिए मैं आपको बताना भूल गई कि एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह से देखिए वर्गीज कुरियन जो हैं उनको, उनका जो निक नेम है, मतलब रियल नेम तो उनका वर्गीज कुरियन है, बट इनको ही फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, कि जो काम एम एस स्वामीनाथन ने किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वही काम इन्होंने भी किया, और इनको साथ ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो एक क्रूशियल स्टोरी जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क और मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने उन्हें लॉन्च किया था अमूल। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि बेस्ड इन आनंद आ टाउन इन गुजरात, तो अमूल जो है एक डेयरी कॉपरेटिव मूवमेंट है ज्वाइन बाई अबाउट 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स इन गुजरात। तो ये एक कॉपरेटिव मूवमेंट है कि गांव के लोग जो हैं, जो दूध लेके आते हैं, जो कंपनी है वो दोनों मिलके ही इक्वल शेयर्स के अकॉर्डिंग ही कॉपरेटिव मूवमेंट के थ्रू ये इसको चलाते हैं। और जो अमूल है पैटर्न बिकेम यूनिकली अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट, और ये इन्होंने जब स्टार्ट किया कॉपरेटिव मूवमेंट, तो इसकी वजह से देखिए जो गाँव के लोग हैं, जो दूध उत्पादन ज़्यादातर करते हैं और लेके आते हैं कंपनी में, और वहीं से ये पूरा पूरा अमूल का फैक्ट्री जो है और पूरे थ्रू आउट इंडिया ये दूध पहुंचाती है और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो इसकी वजह से देखिए उस वहाँ जो गांव का इलाका है वो कितना डेवलप हो गया, किस तरह से वहाँ से पॉवर्टी हट गई, और ये सारा क्रेडिट जो है वो जाता है वाइट रेवोल्यूशन को, क्योंकि इतना उत्पादन वहाँ पर होने लगा। ऑपरेशन फ्लड, इसको देखिए 1970 में एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया वहाँ पर, जिसमें ऑपरेशन फ्लड क्या था, ऑर्गेनाइज करना कि ऑपरेटिव जो है मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है नेशन वाइड वो पूरी के पूरे जो भी मिल्क एक जगह पूरा कलेक्शन होता था, किस तरह से पूरा का पूरा पैकेजिंग होके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता था, ठीक है, तो डायरेक्टली पहुंचाया जाता था, इसमें किसी तरह के मिडलमैन बिचौलियों को नहीं रखा जाता था, क्योंकि जब बिचौलिया जाते हैं तो फिर वो कमीशन खा जाते हैं, तो पर यहाँ पे सीधे ही गाँव के लोगों से खरीदा जाता था और सीधे ही वहाँ पे जो कंज्यूमर्स होते थे उनको डायरेक्टली पहुंचाया जाता था, तो बीच में किस तरह के मिडलमैन को नहीं रखा गया यहाँ पे। तो जितना फ़ायदा आप समझ सकते हो कि जो सेल कर रहा है उसको होता है, उतने ही सेम फ़ायदा जो है वो वहाँ के विलेजर्स जो वो को मिल्क को यहाँ पे कंपनी में के सेल करते हैं उनको भी डायरेक्टली मिलता है, तो बीच में किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ ही देखिए नंबर्स ऑफ वीमेन इसमें काफ़ी ज़्यादा, जो देखेंगे आप इसके एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, ऐड भी आते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारी जो महिलाएँ जो लेडीज़ हैं वही दूध ले के आती हैं। तो यहाँ पे वीमेंस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई और इन्होंने भी काम साझे रूप में स्टार्ट किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो कंट्री में डेवलपमेंट हुई। अगर गांव में डेवलपमेंट हो रही है तो वास्तव में कंट्री में भी डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ से थोड़ा कॉन्टेंट था तो जो आपको याद रखना है, बेशक कि आपके क्वेश्चन में ना आए, बट देखिए एक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी होता है जानना कुछ पॉइंट्स को, इसलिए मैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पैराज हैं यहाँ से आपको मिल सकता है तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कई बार कुछ रेवोल्यूशन हम पढ़ते हैं कि पता ही नहीं होता बच्चों को कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, वाइट रेवोल्यूशन क्या है, तो इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी सी नॉलेज के लिए पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग आ रही है लेटर डेवलपमेंट्स, तो किस तरह के लेटर डेवलपमेंट्स हुए। तो स्टोरी जो थी डेवलपमेंट की इंडिया की, देखें तो एक सिग्निफिकेंट टर्न हुआ जब 1960s के बाद, और यहाँ पे आपने चैप्टर 5 में आफ्टर नेहरूज डेथ एंड द कांग्रेस सिस्टम इनकाउंटेड डिफिकल्टीज, इंदिरा गांधी इमर्ज एज अ पॉपुलर लीडर, तो ये आप थोड़ा सा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। शी डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द स्टेट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द इकोनॉमी, द पीरियड फ्रॉम द स्टेट इन कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग द इकोनॉमी, द पीरियड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स विटनेस मेनी न्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर,
तो देखिए इसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया, इंदिरा गांधी जब इमर्ज हुई एक पॉपुलर लीडर की तरह निकली तो उन्होंने डिसाइड किया था कि फर्दर और स्ट्रेंथ जो है, जो रोल है स्टेट का, जो कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है इकनॉमी को, और उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। और एक 1967 का वो पीरियड था जिसमें उसके बाद का जितना पीरियड था उसमें विटनेस किया नए नए रिस्ट्रिक्शन लगाए गए प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे। 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज की, जो 14 प्राइवेट बैंक्स थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट के अंदर वो काम करेंगी। जो गवर्नमेंट था उसने ये भी अनाउंस किया कि काफ़ी सारी जो मैनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस किया। दिस चेंजेस वर एकम्पनीड बाय एन आइडियोलॉजिकल टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिस्ट पॉलिसीज। और इसके साथ ही किस तरह से एक बदलाव हुआ सोशलिस्ट पॉलिसीज में, ये कन्वर्ट हुआ जो आइडियोलॉजी थी। दिस इम्फेसिस जनरेटेड हीटेड डिबेट्स विद इन द कंट्री अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो अमंग एक्सपर्ट्स। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जब इतना सब काम होने लगा तो वास्तव में एक तरह के डिबेट्स होने लगे, काफ़ी कह सकते हो आप हीटेड डिबेट्स होने लगे, और कंट्री जो थी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और जो अमंग एक्सपर्ट्स थे उनके बीच में ये एक तरह के डिबेट्स होने लगे कंट्री में। हाउएवर जो भी कंसेंसस हम देखें स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिड नॉट लास्ट फॉर एवर। वो ये भी नहीं था कि अभी तक भी वो खत्म हो गए, बिल्कुल आप डेवलपमेंट का प्रोसेस देखेंगे तो वो चलता ही रहेगा, हमेशा चलेगा। प्लानिंग डिड कंटिन्यू बट इट्स साइलेंस वॉज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बिटवीन 1950 और 1980। देखा जाए तो इंडियन जो इकनॉमी थी वो थोड़ा सा स्लगिश उसने ग्रो किया, पर एनम रेट 3-3.5% इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग इनएफिशियंसी एंड करप्शन इन सम पब्लिक सेक्टर्स। में देखा जाए तो काफ़ी इनएफिशियंसी की काम करने की इतनी कुशलता नहीं थी, साथ ही करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में। और साथ ही जो एंड नॉट सो पॉजिटिव रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ ही कोई ज़्यादा पॉजिटिव रोल हमें ब्यूरोक्रेसी का भी देखने को नहीं मिला कि उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया हो। देखिए ब्यूरोक्रेसी वही जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं तो उनको ही हम ब्यूरोक्रेसी तो बोलते हैं, तो इन नौकरशाही जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उन्होंने भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं किया। जो पब्लिक ओपिनियन देखें कंट्री के लॉस, उनका पूरा विश्वास ही हट गया कि इनिशियली प्लेस इन मैनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस के, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे क्लर्क ऑफिस वगैरह जो होते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो आप अनदेखा होगा कि बिना रिश्वत के बिना करप्शन के वहाँ कोई काम होता ही नहीं है। तो सच लैक ऑफ पब्लिक फेथ लेड द पॉलिसी मेकर्स टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट इन इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम द 1980s। तो इस वजह से जब धीरे धीरे पब्लिक का फेथ ही इन पॉलिसी मेकर्स पे हटने लगा तो इस वजह से इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनकी भी जो इंपॉर्टेंस थी स्टेट की, जो इंडिया इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग करना 1980 ऑनवर्ड्स से, वो धीरे धीरे और भी कम होती चली गई। वी शैल लुक एट दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक। इसके साथ ही देखिए इस पार्ट को हम जब एंड करेंगे बुक का तो इसके आगे और चैप्टर्स में भी आप काफ़ी कुछ पढ़ोगे। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को समझ लिया है और इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज आती हैं। तो देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस हैं तो जो चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो अगर आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पे आप आराम से कर लोगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।